हमने किसी प्रोडक्ट की कीमत जो है वो रखी हुई है कितना? 500 रुपया फॉर एग्जाम्पल। और यही प्रोडक्ट मार्केट के अंदर जब किसी को देनी होती है तो मार्केट के अंदर इसकी प्राइस रख दी गई होती है 500 रुपया। अब ज्यादातर लोगों के माइंड के अंदर क्या जाता है कि प्रोडक्ट की प्राइस कितनी है, बराबर, लेकिन एक्चुअल में मुझे कितने में पड़ रही है तो मैं खरीद लूँ, और लोग ले लेते हैं। लेकिन उनको ये नहीं पता होता है कि उसकी एक्चुअल वैल्यू जो है वो इतनी ही है। अब ये प्राइस के अंदर देने वाला बंदा बेस्ट तरीके से अपनी चीज़ों को देता है, यहाँ पर कस्टमर जाना पसंद नहीं करता है, मॉल में से लोग थैली भर भर के चीज़ों को लेकर जाते हैं, होता है ये आप लोगों ने देखा है और शायद आप लोगों को फील भी हुआ होगा, ये चीज़ें आपने देखी भी होगी। तो इसके पीछे का रीज़न यही होता है कि कस्टमर को ऑलवेज ये फील होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप जो मार्केट में प्रोडक्ट दे रहे हो, जैसे कि आपने बोला प्राइस को लेकर, कि प्राइस बहुत ज़्यादा मैटर करती है, क्योंकि हम इंडिया में हैं। इंडिया में बहुत सारी कंपनियों ने बहुत सारा मार्केटिंग किया, लेकिन कुछ कंपनी चल ही नहीं पाए फॉरेन की, और वो वहाँ पर नहीं चल पाए जहाँ पर उनको पता चला यहाँ तो प्राइस वॉर है, यहाँ कुछ अलग ही स्ट्रेटजी अपनाना पड़ेगा, बाहर वाला स्ट्रेटजी यहाँ काम नहीं करेगा। और यहाँ के लोग जो है वो इमोशनल लोग हैं, तो उनके इमोशन के साथ एंगेज होना पड़ेगा। आज के जितने भी अगर आप एडवर्टाइज देख रहे होगे ना, वो आपके इमोशन को टच करेंगे। तो ये चीज़ों का ध्यान रखना हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आगे बढ़ते हैं, तीन तरीके का मार्केटिंग स्ट्रेटजी हमें अपनाना चाहिए, और ये तीन में से कोई एक तरीका हमारा होना चाहिए मार्केटिंग करने का, जिसमें आज हम डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहला है ATL, दूसरा है BTL और तीसरा है TTL। ये स्ट्रेटजी के ऊपर बात हो रही है, बराबर। उससे पहले हम थोड़ी एक्सरसाइज कर लेते हैं। हेलो 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 हेलो, जाग जाओ, सवेरा हो गया है। ATL, BTL और TTL, ये तीन चीज़ों के ऊपर मार्केटिंग करना रहता है। अब समझना ये है ATL क्या है, BTL क्या है और TTL क्या है, तो इसके अंदर हम डिटेल में जाकर बातचीत करेंगे। सबसे पहला जो तरीका अपनाया जाता है उसको कहा जाता है ATL। तो ATL मार्केटिंग करने का एक ये तरीका है जहां पर इतने तरीके से आप मार्केटिंग कर सकते हो जो आपको यहां पर दिख रहा है। और ये तरीका अपनाना क्यों जरूरी है, क्योंकि मेजर बेनिफिट इसका ये है कि सबसे ज़्यादा रीच आप यहाँ से कर सकते हो, बिल्डिंग आप कर सकते हो अपनी ब्रांड को, हाई रिकॉल वैल्यू जनरेट कर सकते हो और सबसे बेहतरीन प्रमोशन आप कर सकते हो। कुछ कंपनियाँ आपने देखी होगी मार्केट में आई नहीं और मार्केट में बूम हो गई, क्यों? क्योंकि वो सबसे बड़ा बजट मार्केट का लेकर आई और उन्होंने पूरी एक्टिविटी की ATL की। अब ये ATL की एक्टिविटीज़ के अंदर होता क्या है और कब करना चाहिए आप लोगों को और किसको करना चाहिए, उसके ऊपर बात करते हैं। तो ATL एक्टिविटीज़ आपको तब करनी है जब आप लोगों का ऑब्जेक्टिव ये होगा कि आपकी जो प्रोडक्ट है उसको नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर जब आपको प्रमोट करने की बारी आएगी या नया मार्केट आपको लेकर जाने की बारी आएगी, तब ये एक्टिविटी आपको करनी है। दूसरा, आप अगर इस स्ट्रेटजी के ऊपर काम कर रहे हो कि आपको मार्केट के अंदर पूरे का पूरा जो है वो कवर कर लेना है एक एरिया या पूरा एरिया, तो उस टाइम पर आपको ये एक्टिविटीज करने की आवश्यकता है। और तीसरा, आपको अपना ब्रांड जो है वो ग्लोबली अगर आपको डेवलप करना है तब जाकर आपको ये एक्टिविटीज करने की जरूरत है। तो आज यहां से बाहर निकलने के बाद जितने भी होर्डिंग्स, जितने भी बोर्ड्स आपको दिखाई देंगे, तो आप देखना सेम टाइम पर सेम होर्डिंग और सेम मार्केटिंग बहुत सारी कंपनियां पूरे कंट्री में करती है, पूरे एक एरिए में करती है। और उस एरिए में करने के पीछे का पर्पस ये होता है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अवेयरनेस हम देते कि एक बार लोगों तक अपना मैसेज कैसे भी करके चला जाए, तो ये इनका मेन मोटिव होता है। तो क्या ऐसी कोई टेक्निक हमने अभी तक अपने बिजनेस में की? कितने लोगों ने आज तक अपनी कंपनी का होर्डिंग प्लान किया हुआ है? ग्रेट, एक और
बाकी लोगों को ये लगता है कि ये करने की ज़रूरत नहीं है या मेरा मार्केट नहीं है। लेकिन याद रखना कि आपको आज नहीं तो कल कस्टमर की जब आवश्यकता होगी और ज़्यादा कस्टमर जब आपको चाहिए तो एक बार आपको ये पोजीशन के ऊपर आने की ज़रूरत है। हाँ, बिजनेस का साइज आपका मैटर करेगा, टर्नओवर आपका मैटर करेगा, रिचनेस आपकी मैटर करेगी, क्योंकि ये स्ट्रेटजी सबके लिए नहीं है, ये भी बता दो। कुछ बिजनेस के लिए है, और ये कौन से बिजनेस के लिए, जिसके पास मास पब्लिक है। सिंपल वे में अगर मैं बोलूं सरल तरीके से, तो रिटेलर लोगों के लिए है, जिनका डायरेक्ट कस्टमर है, पूरा मार्केट है, मतलब सबको वो अपने कस्टमर बना सकते हैं, उन लोगों के लिए। फिर कुछ प्रोडक्ट अगर आपने ऐसी बिल्ड की हुई है जिसको आप डीलर डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू नहीं लेकर जाना चाहते हो, उसको सीधा मार्केट में लेकर आना चाहते हो, उसके लिए ये। क्लियर? सेकंड चीज के ऊपर हम बात करेंगे। दूसरा जो हमने बोला वो है बीटीएल। तो बीटीएल एक्टिविटी उस टाइम पर हमें करने की आवश्यकता है जब मार्केट के अंदर हमें बिलो द लाइन जाना है। पहला जो था वो अबोव द लाइन था, दूसरा जो था वो बिलो द लाइन था। अब इसके अंदर क्या क्या चीज़ों का बेनिफिट हमें मिलता है, तो सबसे पहले हम क्या होते हैं, प्रोफेशनल वे में लोगों को अप्रोच कर पाते हैं, लोगों का फीडबैक जो हम ले पाते हैं, अच्छा हमें आरओआई यहाँ से जनरेट होता है, और उसके बाद हम अच्छी तरीके से अपने ब्रांड को एक्सपांड कर पाते हैं। और इसमें कुछ ना समझ में आए तो सबसे ज़्यादा माध्यम जो आज के टाइम में देखा गया है, लोगों की मुंडी ऊपर कम होती है, नीचे ज़्यादा होती है, जिसको हम बोलेंगे मोबाइल फ़ोन। तो आप क्या लोगों के मोबाइल फ़ोन पे अवेलेबल हो इंटरनेट के माध्यम से? ये पूरा नहीं समझ में आया तो इतना समझ लेना, अगर वहाँ आपने अपनी जगह बना ली है मतलब आप ये कर रहे हैं। तो लोग जब स्क्रॉल कर रहे हैं तो आपकी एडवर्टाइज वहाँ पर पंच होनी चाहिए, आनी चाहिए, ये इसका काम है। अब ये हमें कब करना चाहिए और किसको करना चाहिए, आप लोगों में से किसको ये करने की ज़रूरत है? तो आप लोगों में से जिन लोगों को अपनी ब्रांड को लेकर स्टार्टअप करना शुरू किया है और स्टार्टअप की सिचुएशन के अंदर आप हो, मतलब जस्ट शुरू ले रहे हो। स्टार्टअप का मतलब ये नहीं होगा कि अभी धंधा आपने शुरू किया है, स्टार्टअप का मतलब ये समझ लेना जैसे आप गुजरात में काम कर रहे हो, आपको शुरू करना है मुंबई, तो मुंबई आपके लिए स्टार्टअप ही है मार्केट के हिसाब से, बराबर। तो जहां आप अपने बिजनेस को स्टार्टअप पोजीशन में लेकर जा रहे हो, उनको कंपलसरी ये एक्टिविटी करने की आवश्यकता है। सेकंड चीज जो आपको ध्यान रखने की जरूरत है कि आपको प्रमोट करना है अपनी प्रोडक्ट पैसिफिक एरिया, पैसिफिक सिटी और पैसिफिक कस्टमर के बीच। तो कितने लोग डिजिटल मार्केटिंग करते हैं अपनी प्रोडक्ट का, तो इन सब लोगों को पता होगा कि डिजिटल टूल्स बहुत सारे अवेलेबल होते हैं जो पहले से आपको सारा क्राइटेरिया बता देते हैं। और जितने लोग नहीं कर रहे हैं भाई साहब जाग जाओ, क्योंकि अभी का ज़माना डिजिटल का है और आपको अपनी प्रोडक्ट को डिजिटल कंपलसरी लेकर जाना पड़ेगा, क्योंकि ये आपका ये सब कुछ पैसिफिक करके मार्केटिंग करके देगी। तो यहाँ पर लगाया हुआ एक रुपये का भी आपको पता चलता है कि ये पैसा गया कहाँ, उसका यूटिलाइज क्या हुआ। और थर्ड चीज़ ये हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है कि जब हमें रीजनल के हिसाब से अपने मार्केट को अगर टारगेट करना है और उसके अकॉर्डिंग अगर अपने को लेकर जाना है अपनी चीज़ों को, तो यहाँ पर ये चीज़ें करने की आवश्यकता है। अब थर्ड चीज़ के ऊपर हम बात करेंगे कि जो हमें करना है थ्रू द लाइन। अबोव द लाइन हमारी हो गई, बिलो द लाइन हमारी हो गई, ये थ्रू द लाइन है। तो यहां पर हमें तीन चीजों का ध्यान रखना है। सबसे पहला क्या है, फर्स्ट तरीका वेब मार्केटिंग, कितने लोग एसईओ रन करवाते हैं, ग्रेट। ये सभी लोग अपनी, कितने लोगों की एप्लीकेशन बनी हुई है, नहीं बनाई है तो बनाओ क्योंकि अभी जमाना उसी की ओर जा रहा है। कितने लोगों के सोशल मीडिया के सारे पेज अवेलेबल है, एक्टिव है, ग्रेट। तो ये सारी पोजीशन जो है वो यही काम करेगी। दूसरा है सोशल मीडिया, जो मैंने अभी आप लोगों को बताया, हर जगह आप एक्टिव हो जाओ। बहुत सारे बिजनेसमैन को मैंने देखा है जब बारिश गिर रही होती है, बारिश का लाइव वीडियो वो दिखाते हैं अपनी चैनल के ऊपर,
और बोलते आ जाए तो मजा आएगी, बरसात पड़ रहा दमदार। लेकिन उसी पर्सन को बोला जाए कि आपका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है उसका वीडियो बनाकर उसको अपलोड करो, तो उसके लिए उनके पास टाइम नहीं है। तो सोशल मीडिया का यूज आप कर रहे हो या आपको सोशल मीडिया यूज कर रही है, वो एक क्वेश्चन मार्क है, वो अब आपको सोचना है। और तीसरा चीज है कि आपको अलग अलग इवेंट्स के अंदर पार्टिसिपेट होना है। GPBS यहां पर हुआ था, कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया, कितने लोग वहां पर एज अ गेस्ट गए देखने के लिए, ग्रेट। तो बहुत सारे इवेंट्स ऐसे होते रहते हैं, कॉर्पोरेट इवेंट होते हैं, कल्चर इवेंट होते हैं, तो हर इवेंट के अंदर आपको प्रेजेंट करना है अपनी प्रोडक्ट के साथ, अपने आप को। बहुत सारे नेटवर्किंग ग्रुप भी होते हैं, तो वहां पर आपको ज्वाइंट होना है अपने आप को रिप्रेजेंट करने के लिए। क्यों? क्योंकि आपकी ब्रांड, मतलब आपका जो ब्रांड एम्बेसडर है ना, वो आप खुद हो। और आपका काम क्या है एज अ ऑनर? नेटवर्क बनाना। क्योंकि जितना बड़ा नेटवर्क होगा, हेलो हेलो हेलो, जितना बड़ा आपका नेटवर्क होगा उतना बड़ा आपका नेटवर्थ होगा। धंधे का ये नियम है और एक बिजनेसमैन को वही करना है। आगे बढ़ते हैं। ये किन लोगों के लिए है या ये किन को करना चाहिए? जिनको ये दोनों चीजों की मिक्स आवश्यकता है, जो मैंने स्टार्टिंग के अंदर दो चीजें बताई, ATL और BTL। दूसरी, जो लोग लोकल और ग्लोबल जो है वो अपने कस्टमर को बिल्ड करना चाहते हैं, उनके लिए ये करना जरूरी है। फिर किन किन लोगों के लिए करना है? जो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर अपनी ब्रांड लेकर जाना चाहते हैं। तो ये जो चीज़ें करना चाहते हैं यहाँ पर बैठे मेरे ख्याल से सब लोगों के लिए ये है। यस? तो ये चीज़ें सभी लोगों को करने की आवश्यकता है। अब एक क्वेश्चन है, व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन मार्केटिंग एंड सेल्स? ये फिर से एक क्वेश्चन आ गया है, इसका आंसर आप लोगों को देना है। यस सर। मार्केटिंग એટલે આઇટમ દેખાડ વેચવાની નથી, કોઈ પણ આઇટમ ખાલી દેખાડવાની। ઓકે। વેચવાની નથી અને વેચાણ સેલ્સ એટલે ખાલી વેચાણ। ઓકે। આઇટમ નું એને શું આઇટમ નું ઉપયોગ માં આવી નથી ત્યાં। ગ્રેટ। યસ સર। માર્કેટિંગ એટલે એનું બ્રાન્ડિંગ અને સેલ્સ એટલે આપણે જે સેલ્સમેન તરીકે વેચાવી એ। ઓકે। એને વેચવી। યસ। યસ સર। માર્કેટિંગ એટલે તમારી પ્રોડક્ટ નું કસ્ટમર ને નોલેજ આપવું કે ઈ પ્રોડક્ટ માં છે શું અને ઈ તમને કઈ રીતે ઉપયોગી થઈ શકશે અને વેચાણી પછી ઈ એને પસંદ પડશે ત્યારે તમારી પાસેથી ખરીદશે। યસ સર। પ્રોડક્ટ નું એડવર્ટાઇઝિંગ, પબ્લિસિટી, અવેરનેસ એ બધું જે કરીએ અને એના પછી જે સેલ્સ માટે આપણે એને બેનિફિટ જે પ્રમાણે કીધું એ કરીએ, ઈ સેલ્સ અલગ થઈ ગયું ને એડવર્ટાઇઝિંગ અવેરનેસ પબ્લિસિટી કરીએ એ આખી જે સેલ્સ સહિતની જે પ્રોસેસ છે એને માર્કેટિંગ કહે। વે ઓફ કમ્યુનિકેશન ટુ ડિલિવર પ્રેઝન્ટ ઇન માર્કેટ। ઓકે। ઓર કોઈ પાર્ટિસિપેટ કરના ચાહેગા? માર્કેટિંગ એટલે આપણે ફિઝિકલી માર્કેટિંગ કરીએ જ્યાં પર્સન ટુ પર્સન મળી શકીએ અને એના સિવાય જે ડિજિટલ માર્કેટિંગ હોય કે જ્યાં આપણે પહોંચી નથી શકતા, એટલે એવા એ વે ઉપર આપણે માર્કેટિંગ કરીએ અને એમાંથી જે પણ લીડ જનરેટ થાય અને એમાંથી જે કસ્ટમરને રિક્વાયરમેન્ટ્સ આવે અને એમાંથી સેલ્સ રિક્વાયરમેન્ટ્સ બહાર આવે તે સેલ્સ કહી શકીએ। ઓકે।